नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर ऑफिस बटन को बड़ा डिटेल में देखा था। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट उसी वीडियो में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कल वाला ही पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पर एमएस वर्ड मैंने चालू कर लिया है। ये हम कैसे चालू करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देखकर एमएस वर्ड के बेसिक्स को समझ सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम सबसे पहले इस क्लिप बोर्ड वाले हिस्से को कंप्लीट करेंगे होम टैब के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चार पांच ऑप्शन है, इन्हें हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कॉपी, कट और पेस्ट, जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। देखिए कॉपी और कट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन तब काम करेंगे जब आप कंप्यूटर में अपने एमएस वर्ड में उस हिस्से को सिलेक्ट कर लोगे जिस हिस्से पे आपको वो टूल अप्लाई करना है। जैसे मैं कॉपी या कट करना चाहता हूँ तो मुझे सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एमएस वर्ड को पता चलेगा कि इतना हिस्से में ये टूल अप्लाई करना है, इतना हिस्सा कट कर देना है, इतना हिस्सा कॉपी कर देना है। अगर मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा कि कितने हिस्से में कॉपी कट करना है, कितने हिस्से का कलर चेंज करना है। तो एमएस वर्ड के अंदर सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सिलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो माउस का लेफ़्ट बटन हम प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे माउस को, तो वो आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन। तो पहले मैं नीचे का ये सारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक दो ही पैराग्राफ रखते हैं हम। तो अब जैसे मैं इस लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा मुझे कॉपी का, तो मैं कॉपी पे एक बार क्लिक कर दूँगा कॉपी। अब क्या हुआ है कि ये कॉपी हो चुका है और आप इसे जहाँ भी पेस्ट करना चाहें बस आपको अपना कर्सर वहाँ रखना है। कर्सर रखने के लिए आपको माउस से दो बार क्लिक करना है, तो माउस से हम दो बार क्लिक करेंगे। क्लिक आपको एकदम स्पीड में करना है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट वाला ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये कॉपी किया था हमने और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। अगर आप इसे कट करना चाहें, कट मतलब मैं इस लाइन को यहाँ से हटा के कोई दूसरी जगह रखना चाहता हूँ, तब मैं इसे कट कर दूँगा, तो वो लाइन आप देखोगे वहाँ से हट गई है। अब मुझे यहाँ पर उसे पेस्ट करना है, तो हम उसे यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ से हम उसे पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, डन। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और कट दोनों ही ऑप्शन आप समझ चुके होंगे। देखिए एक बार कॉपी या कट करने के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ शायद सुन रखी होगी कि कॉपी या कट किए हुए जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे क्लिप बोर्ड में सेव होते हैं, तो आज हम आपको क्लिप बोर्ड भी दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना क्लिप बोर्ड, और देखिए इस जगह पर लिखा हुआ है और यहीं पर ना एक छोटा सा एरो बन रहा है ये, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ओपन हो गया। अब आप जो चीज़ भी कॉपी करेंगे, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ कॉपी, तो वो देखो वो हिस्सा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब ये हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट पेंट, इसे हम थोड़ा सा रोकते हैं, इसे हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसे मैं बंद कर देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। जैसे अगर मैं इस फॉन्ट को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से अगर मैं इसकी स्टाइल में कुछ भी चेंजेस करूँ तो वो चेंजेस मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे बस आपको उस पर क्लिक कर देना और वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। हमने इसकी स्टाइल को देखेंगे आप चेंज कर दिया। अगर आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों से मेरे तीन सवाल कि एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है आपको पता करके बताना है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज़ मतलब कम से कम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आपने दे दिया इसका मतलब यू आर अ लेजेंड, तो आपको बताना है कि एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है वो इसका आंसर कमेंट में दें और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कमेंट चेक कर लें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। आपको जो भी रखना है आपको क्लिक कर देना, फॉन्ट की साइज़ उतनी ही बड़ी हो जाएगी। हम लोग यहाँ ना लिख करके भी फॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट की साइज़ 25 कर देनी है, तो 25 और एंटर। तो देखिए हमने फॉन्ट की साइज़ को 25 में कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको ये एक ए करके दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। देखिए कंप्यूटर में ना बहुत आसान है, कंप्यूटर चलाना सबसे ईजी है। आपको बस यहाँ पे अपना कर्सर रखना है,
अब ये अपना नाम और काम दोनों ही चीज़ें बताएगा। जैसे मेरा नाम है ग्रो फॉन्ट और मेरा काम है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बगल में आएंगे तो मेरा नाम है श्रिंक फॉन्ट और काम है डिक्रीज द फॉन्ट साइज, मतलब पता चल गया हमें इस ऑप्शन की हेल्प से आप फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इस ऑप्शन की हेल्प से आप फॉन्ट की साइज़ को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी एक ऑप्शन छोड़ा था फॉर्मेट पेंट। देखिए हमने क्या किया है कि इन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में बदलाव कर दिए हैं। जब हम इस टेक्स्ट को लेकर आए थे डॉक्यूमेंट में तब ये नॉर्मल कुछ ऐसे टेक्स्ट थे, जब हमने टाइप किया था या हम इसे कमांड की हेल्प से लेके आए थे तब ये कुछ नॉर्मल इस तरीके के टेक्स्ट थे। हमने इनकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर दिए हैं। अब अगर आप टेक्स्ट को नहीं फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहें तो इस फॉर्मेट पेंट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंट पे मैंने एक बार क्लिक किया, अब मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश दिखाई देगा। अब आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, अगर आपने क्लिक कर दिया तब आपको वापस इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो बिना क्लिक किए आपको उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी स्टाइल आप एक जैसी दिखाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, छोड़ दिया माउस का लेफ्ट बटन, अब ये दोनों आपको सिमिलर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंट हमारा काम करता है। अब अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे एक देखिए एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, नाम से पता चल रहा है फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, मतलब जो भी आपने फॉर्मेटिंग में चेंजेस किए हैं वो सारे एज इट इज़ हो जाएंगे, जैसे कि पैराग्राफ को लाते टाइम या टाइप करते टाइम थे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए सारे जो टेक्स्ट थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उम्मीद करता हूँ फॉर्मेट पेंट और क्लियर फॉर्मेटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो का आप बैक करके ज़रूर देखिएगा, और भी अगर डाउट है तो फिर आप कमेंट कर देना। उसके बाद यहाँ पे बहुत इजी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है बोल्ड, इसे हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बोल्ड मतलब इसका कलर और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखाई देगा, देखो दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा दिखाना चाहें तो आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे टेक्स्ट यहाँ से कुछ तिरछे दिखाई देंगे। उसके बाद यदि आप अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन अप्लाई करना चाहें तो यहाँ आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो, अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अंडरलाइन में भी अगर आप वैरायटी चाहते हैं तो यहाँ आपको ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको इसे ओपन करना है, आप डबल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, जो भी अंडरलाइन आप यहाँ से अप्लाई करना चाहें क्लिक करके उसे अप्लाई कर देंगे। यदि अंडरलाइन के कलर में आपको चेंज करना है तो यहाँ आपको अंडरलाइन कलर का भी एक ऑप्शन मिलेगा और आप अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रो, मतलब जैसे नोटबुक में अगर आप कुछ लिखते हो और गलत हो जाता तो आप उसे ऐसे कुछ इस तरीके से काट देते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसे कुछ इस तरीके से भी काटते हैं, तो हमें ऐसे नहीं काटना है, एक सिंपल लाइन बना देनी है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है, देखिए क्लिक करेंगे तो अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ से कट चुका है, इनकरेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो देखिए सब स्क्रिप्ट को देखते हैं, जैसे सपोज़ मुझे H2O लिखना है तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो H2O मैंने लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है, 2 नीचे होना चाहिए ना। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स के नीचे 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 नंबर भी नीचे जाएगा, अगर यहाँ पे 3, 4, 5, 7 या कोई अल्फ़ाबेट होगा वो भी नीचे आ जाएगा, तो वो मेन टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से अगर आप 12th लिखना चाहें तो आप मुझे बताइए कि 12th ऐसे लिखते हैं, 12th का जो TH है ये ऊपर होना चाहिए, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा रुक के देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइट, आप हाईलाइट कैसे कर सकते हो, जैसे आप हाईलाइटर का यूज़ करके अपनी बुक में हाईलाइट करते हो कुछ उसी तरीके से आप यहाँ से भी इसे हाईलाइट कर पाओगे किसी भी कलर से। अगर हमने गलती से कुछ ज़्यादा हिस्सा हाईलाइट कर दिया तो हम उस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें हाईलाइट नहीं करना है और यहीं से हम आएंगे और कर देंगे यहाँ पे नो कलर, इससे ये हाईलाइट कलर हट जाएगा। उसके बाद इसी के ठीक बगल में यहाँ पे फॉन्ट का कलर बदलने के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो सबसे पहले आपको उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है जिस हिस्से का आप कलर बदलना चाहते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहीं आऊँगा और यहाँ से मैं इसे रेड कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए हमने कलर चेंज कर दिया, इसका कलर वापस नॉर्मल करना है तो ब्लैक कलर था तो एकदम ऑब्वियस ही बात है हम इसे वापस से ऑटोमेटिक या ब्लैक कलर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फॉन्ट के अंदर कलर को भी चेंज कर पाएंगे।
अब ये जो चेंज केस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसके अंदर एक पैराग्राफ ला के दिखाता हूँ, बिना लिखे हम पैराग्राफ कैसे ला सकते हैं। इसके पहले वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन अब हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में MS Word में इज इक्वल टू टाइप करना है, और आपको RAND टाइप करना है। शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करना है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर तीन पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे। यदि आप दो या एक ही पैराग्राफ लाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस ब्रैकेट में टाइप कर देंगे एक, और जैसे ही आप बाहर आके एंटर करेंगे तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ आएगा। इसी तरीके से आप 10, 5, 15, 20, 50 पैराग्राफ लाना चाहते हैं तो उस ब्रैकेट में आपको टाइप कर देना है कि मुझे इतने पैराग्राफ लिखने हैं, उतने ही पैराग्राफ आपके पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप चेंज केस को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंटेंस केस का। अब ध्यान से जरा आप देखो सेंटेंस केस किस तरीके से लिखा हुआ है। सेंटेंस का S कैपिटल है और केस के बाद में एक फुल स्टॉप है लास्ट में। इसका मतलब अभी ये जो हमारा पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस में ही तो है। तो देखो मैंने जिस हिस्से को अभी सिलेक्ट किया है, इस हिस्से में यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, पैराग्राफ ख़त्म हो गया। यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है तो ऑन का O कैपिटल है, यहाँ से हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो U का Y कैपिटल है, और यहाँ सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद ख़त्म हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि When का W कैपिटल, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। मतलब अभी हमारा ये जो सेंटेंस है या पैराग्राफ है वो पहले से सेंटेंस केस के फॉर्मेट में है। यदि आप इसे अपर केस कर दें तो आप देखो अपर केस किस तरीके से लिखा हुआ है, सारे ही कैपिटल हैं तो हमारे सारे ही अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएंगे जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है लोअर केस, मतलब सारे ही स्मॉल हो जाएंगे क्योंकि सारा स्मॉल लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। उसी के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, कैपिटलाइज का सी, ईच का ई, और वर्ड का डब्लू कैपिटल है, मतलब हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल है। तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा जैसे आप क्लिक कर दोगे। तो अब देखो हमारे डॉक्यूमेंट में हर टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम, यहीं आते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टोगल केस, और देखो टोगल केस में टी स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, टी स्मॉल, बाकी सारे हमारे कैपिटल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट काम करेगा। तो आज के दिन हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत है, जैसे कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, या क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या समझने में दिक्कत है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही तो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना ना भूलें, और मैंने जो आपसे वीडियो में 3 सवाल पूछे उनका जवाब देना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।